अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, बांग्लादेश की जो स्टोरी है और जिस तरह ये स्टोरी कुकअप की जाती है कि जी पाकिस्तान की जो फौज है उसने बांग्लादेश के अंदर बड़ा जुल्म किया शायद, और वहां पे लोगों को मारा गया और लोगों की जिंदगियां जो है वो खत्म कर दी गई, इसमें मैं कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। देखिए, पाकिस्तान एक सॉवरन मुल्क था और उसके दो टुकड़े किए गए, दो हिस्सों में तकसीम किया गया पाकिस्तान को। अब देखिए, एक ईस्ट पाकिस्तान हो या वेस्ट पाकिस्तान हो, दोनों जगह पे जो पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है, जो पाकिस्तान के जो बॉर्डर हैं, वो डिमार्केटेड थे, जिसको इंटरनेशनल लॉ की सपोर्ट हासिल थी, यूएन चार्टर की सपोर्ट हासिल थी। लेकिन क्या होता है कि भारत मुक्ति बेनी जैसा एक ग्रुप बनाता है वहां पे, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान में कोई इंटरनल डिस्टरबेंस थी, एक यंग कंट्री था बिल्कुल, एक जैसे एक थोड़ा टाइम ही कितना हुआ था उस मुल्क को बने हुए, पाकिस्तान को प्रॉपरली रिसोर्सेज भी इंडिया की तरफ से नहीं मिले थे और पॉलिटिकली भी चीजें उस तरह मैनेज नहीं थी। सो एक जो पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म हमें देखने को मिली, एक सब नेशनलिज्म वहां सपोर्ट की गई, एक एथनिक एक्सट्रीमिज्म को इंडिया ने हवा दी ताकि वहां पे एक जो ईस्ट पाकिस्तान को अलहदा कर दिया जाए और वेस्ट पाकिस्तान अलहदा हो जाए। अब ये जो सेपरेशन है ईस्ट पाकिस्तान की, ये एक बेसिकली एक पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म की मिसाल है कि किस तरह कुछ लोग जो हैं वो भारत की मदद से, जिनको नाम मुक्ति बेईनी दिया गया, 21st सेंचुरी में आज हम बात करते हैं जी नॉन स्टेट एक्टर्स की, हम बात करते हैं दहशतगर्द ग्रुपों की। मुक्ति बेईनी क्या था? मुक्ति बेईनी जो 1970s का बेसिकली एक दहशतगर्द ग्रुप था, जिसे पाकिस्तान में क्रिएट किया गया था। अब इंडियंस ये चाहते थे कि इस ग्रुप को उन्होंने आर्म्ड किया, वेपनाइज किया, और आज भी इंडियंस मानते हैं कि हमने दिया, और वो खुलेआम दुनिया, सारी दुनिया के सामने कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को दो हिस्सों में तकसीम किया। आप इंदिरा गांधी की स्टेटमेंट्स देख लें कि वी हैव ड्रोन द टू नेशन थ्योरी इन बे ऑफ बंगाल। वो चाहते थे कि ये जो पाकिस्तान मजहब के नाम पर, इस्लाम के नाम पर बना है, ये हम इसको अनडू कर दें, और वो कहते थे हमने 1000 साल का मुसलमानों के रूल का जो बदला ले लिया है कि ईस्ट पाकिस्तान जो है वो वेस्ट पाकिस्तान से अलहदा हो गया। अब जो जो मुक्ति बेईनी का केस है, आज अगर 2001 तरह का ग्रुप उठे किसी मुल्क में तो उसको हम कहेंगे जी वो तो दहशतगर्द है, क्योंकि वो रियासत की रिट को चैलेंज करते हैं। अगर इंडिया के अंदर नेक्सलाइट्स हैं, वो जिनको एक पूरा रेड कॉरिडोर है, जिनको जो अर्बन मलेशिया ग्रुप है जो अपनी ऑटोनॉमी की बात करते हैं, और अगर आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को याद करें तो उन्होंने कहा था द बिगेस्ट नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट टू इंडिया इज इंटरनल, और वो कहते थे रेड कॉरिडोर है, और वो कहते थे जो कश्मीर के अंदर एक फ्रीडम स्ट्रगल है। सो पॉइंट ये है कि मुक्ति बेईनी को किस तरह आप फ्रीडम फाइटर कह सकते हैं। 2021 में अगर कहीं भी कोई ग्रुप जो है वो सेपरेशन की बात करे, इंडिपेंडेंस की बात करे, उसको बाहर से अमदाद आए तो वो हम कहते हैं दहशतगर्दी है। लेकिन मुक्ति बेईनी को किसी ने आज तक नहीं कहा कि ये दहशतगर्द है। उस वक्त हमने सब नेशनलिज्म जैसे जो है वो आइडियाज प्रमोट किए। मैं समझता हूं कि जो साउथ एशिया में पहली दहशतगर्द ग्रुप और नॉन स्टेट एक्टर की बुनियाद रखी गई थी, वो भारत की जानब से रखी गई थी, लेकिन पाकिस्तान उस तरह उसको प्रोपगेट नहीं कर सका, उस तरह वो चीजों को नहीं कर सका, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी, सो कॉल्ड स्कॉलर्स और जो लिटरेचर पैदा हुआ उसमें ये बताया गया कि जो पाकिस्तान है उसको, जो पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेज है और आर्मी को विलन के तौर पर पेश किया गया। बहुत सारी चीजें मिसमैनेज होती हैं इस तरह के वाकयात जब होते हैं, चीजें वो नहीं रहती जब आपके सामने एक ग्रुप को एक मुल्क सपोर्ट कर रहा हो, और भारत की फौज भी उस वक्त घुस गई इस पाकिस्तान में। आप इंडिया की मिसाल देख लें, इंडिया ने सिर्फ ये नहीं किया, इंडिया ने बांग्लादेश की आजादी के बाद भी, ईस्ट पाकिस्तान जब आजाद हुआ तो जो चकमा कम्युनिटी है बांग्लादेश में, उसमें वो जो 11 एथनिक ग्रुप्स थे जो चिटागोंग हिल ट्रैक्स में सदरन बांग्लादेश में है, उनको उन्होंने बंगाली नेशनलिज्म पे जो है वो फोर्स किया, और तकरीबन 50,000 के करीब लोगों को जो है वो ट्रेन किया गया इंडियन फोर्सेस की जानब से। अब ये जो चीज है, ये स्पॉन्सर वायलेंस करना, ये उन्होंने पहले भी करते रहे और बाद में भी, शेख मुजीबुर रहमान के लिए बहुत ज्यादा उन्होंने मसाइल पैदा किए। सो इंडियंस चाहते थे कि वो कॉन्स्टेंटली बांग्लादेश को ऑन टोज रखें,
और जब मर्जी उनका दिल करे वो बांग्लादेश के लिए एक इस तरह का एनवायरनमेंट पैदा करें कि बांग्लादेश उनको यस जो है ना वो कहता रहे। उसका नुकसान ये था कि वो जितने भी ममालिक हैं साउथ एशिया की, वो भले बांग्लादेश हो, नेपाल हो, वो मालदीव्स हो, अफगानिस्तान हो, इंडिया चाहता है कि वो उनको उनके ऊपर मोनोपली रख सके। और इसके लिए पाकिस्तान वो बाहर मुल्क था, वो जो इंडिया की वो जो एक पुलिसमैन का रोल है जिसको चैलेंज करता है, तो वो समझते हैं बाकी तो किसी को हक नहीं है कि वो चैलेंज करे। सो इसलिए बांग्लादेश को इस पाकिस्तान को पहले भी इंडिया ने जो है वो माइक्रो मैनेज किया, मुक्ति बहिनी दहशतगर्द ग्रुप बनाए वहां पे जो पाकिस्तान की रियासत को चैलेंज किया। और मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर मुक्ति बहिनी जो है उनको एक दहशतगर्दी के एंगल से देखा जाए, उनको वायलेंट पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म के लेंस से भी नहीं देखना चाहिए, वो तो जो है ही है, लेकिन पाकिस्तान की रियासत को चैलेंज किया गया। उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, चीजें नहीं निकली, अगर होती तो पता चलता कि किस तरह रियासत है पाकिस्तान को चैलेंज किया गया और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को, पाकिस्तान की सोवरेनिटी को वायलेट किया गया, इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया गया। और फिर उन्होंने बड़ी सारी मिथ्स बना दी, प्रोपगेशन कर दी जी, 93,000 जो है वो क्या उसे बोलते हैं प्रिजनर्स थे, जो कुल मिल मिला के जिसमें पुलिस और बाकी जो लोग थे देवर अराउंड 45,000 कोई लोग होंगे, जिसमें जो उस अनरेस्ट में जो अवाम बहुत ज्यादा उन्होंने पकड़ ली वहां पर, उसको उन्होंने प्रिजनर्स बना लिया। तो ये एक एनवायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश की, जो स्टोरी लिखी गई बांग्लादेश की उसमें जी इतने मैसेकर हो गए, वो बेसिकली क्योंकि पाकिस्तान दूर था, रिसोर्सेज इतने नहीं थे, तो इस तरह मैनेज करना मुश्किल था, क्योंकि पाकिस्तान एयर पावर के जरिए भी चीजें नहीं कर सकता था, भारत जो है उसको एडवांटेज था कि वो चीजें वहां पर ट्रांसफर कर सकता था, और पैसा लगाया, आइडियोलॉजी ट्रांसफर की, नॉन स्टेट एक्टर बनाए वहां पे। सो मेरा ख्याल है कि ये एक दोबारा वी हैव टू रीराइट द हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश टू टेल द वर्ल्ड दैट हाउ इंडिया बेसिकली फर्स्ट डेवलप्ड अ नॉन स्टेट एक्टर इन पाकिस्तान, लेकिन आज देखें कि वो किस तरह पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान ही वो मुल्क है जो सारे मसाइल की जड़ है। मेरा ख्याल है कि जो किताबें लिखी गई हैं बहुत सारी, एक कुतुबुद्दीन अजीज साहब की किताब है ब्लड एंड टीयर्स, और बहुत सारी किताबें, इन सबको रेफरेंस बना के हमें अपनी यूथ को, जवानों को एकेडेमिया में जो बताना जाना चाहिए, और आइंदा आने वाली नस्लों को बताया जाना चाहिए कि ये जो दहशतगर्दी पाकिस्तान आज नहीं सिर्फ फेस कर रहा, आज टीटीवी पाकिस्तान में पैदा नहीं हुई, हमें मुक्ति बहिनी से लेके आज तक टीटीवी तक जो है वो भारत ने कॉस्टली वॉर नहीं भारत लड़ना चाहता, भारत एक चीप वॉर लड़ना चाहता है, और भारत जो चाहता है कि वो इसी तरह पाकिस्तान को इंगेज रखे, इंटरनली डिस्टर्ब करे ताकि ये तरक्की ना कर सके, लेकिन गो के पाकिस्तान ने 47 की जंग लड़ी, 65, 71 कोल्ड वॉर, कारगिल भी मिसाइल हुए, फिर वॉर एंड टेरर, आज भी पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह खित्ते में अपनी एक पोजीशन रखता है, अपनी सॉवरेनिटी और अपनी जो ग्रिप है मुल्क के अंदर, और इस मुल्क के चप्पे चप्पे से दहशतगर्दों को सफाया किया है। स्टेट इज स्ट्रॉन्ग, सिर्फ हमें अपना नैरेटिव जो बयानिया है उसको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, ताकि पाकिस्तान जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपनी एक प्रॉपरली कहानी सुना सके। थैंक यू वेरी मच।